विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल पालमपुर इकाई द्वारा स्थानीय युवाओं द्वारा एसटीएम पालमपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कुछ एक सामाजिक परिस्थितियों को खराब करने वाले तत्त्व बाहरी राज्यों से आने वाले लोग जो कि बिना किसी पहचान पत्र व आधार कार्ड के बिना पालमपुर में हिमाचल में रह रहे हैं और साथ ही अलग अलग प्रकार के व्यवसाय चला रहे हैं एवं सात लगती पंचायतों में अनाधिकरण तरीके से व्यापार व कार्य कर रहे हैं, उनकी वेरिफिकेशन एवं कार्यवाही करने के लिए आग्रह किया गया है ताकि पालमपुर में भविष्य में चोरी एवं असामाजिक वातावरण उत्पन्न न हो तथा शुक्रवार के दिन पालमपुर में मुसलमानों की संख्या 800 से हजार देखी जाती है। इसका विवरण भी एसटीएम पालमपुर से मांगा गया है और जल्द से जल्द जो लोग पंजीकृत नहीं है उन पर कार्यवाही करने की मांग की गई है। इसके लिए भी विश्व हिंदू परिषद ने एसटीएम पालमपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है तथा जल्द से जल्द इन बाहरी तत्वों पर कार्यवाही करने पर जोर दिया है। विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री पालमपुर संजीव कौंडल व सुनील शर्मा ने कहा कि आज के ज्ञापन में प्रशासन से मांग की गई है कि बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोग, इनमें अधिकतर मुस्लिम व ईसाई धर्म के हैं, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, उनकी वेरिफिकेशन की जाए क्योंकि ये देखने में आया है कि इनमें से कुछ लोगों की वेरिफिकेशन नहीं हुई है। आज आपने ज्ञापन सौंपा, किस लिए सौंपा, क्या आपकी मांग है? आज हम एसडीएम जी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंप के अभी आए हैं जिसमें हमारे कुछ एक मुद्दे हैं, जैसे कि यहाँ पर बाहरी राज्यों से जो लोग आ रहे हैं मुस्लिम ईसाई, जिनकी तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन शुक्रवार के दिन जैसे आप देखें तो कम से कम 1000-1500 के करीब लोग, मुस्लिम लोग जो है यहाँ पे आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपनी पूजा पाठ जो जिस तरह से करते हैं हमने ज्यादातर यहाँ पे देखा है। हमारा एसडीएम साहब से, डीएसपी साहब से यही मांग है कि इनकी वेरिफिकेशन है या नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है यहाँ पे कुछ परसेंट लोगों की यहाँ पे वेरिफिकेशन हुई है। मैक्सिमम यहाँ पर दुकानें फड़ी वाले मेन मार्केट में बड़ी बड़ी दुकानें इनको ही मिल रही हैं, ना कि हमारे स्थानीय लोगों को यहाँ पे कोई भी दुकान नहीं मिल रही है। तो हमारा यही इनसे मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी वेरिफिकेशन, इनके कितने प्रूफ वाले लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कोई रेंटल है यहाँ पे जिनके अभी ना आधार कार्ड है ना उनके कोई ऐसी वेरिफिकेशन है जो कि यहाँ पे आके लोग रह रहे हैं। आपकी तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा, मेरा नाम सुनील शर्मा है, पालमपुर का मैं रहने वाला हूँ। तो हम जिस तरह से देख रहे हैं कि बाहरी लोग पालमपुर में आ रहे हैं और जिस तरह से उनकी आबादी बढ़ रही है और जिस तरह से उन्हें नए नए कारोबार सौंपे जा रहे हैं, कोई सब्जी की दुकानें खोल रहे हैं, कोई कारीगर लगे हैं, क्योंकि हम आपसी में हमने अपने आप नोटिस किया गया है कि कभी भी हमारे कोई लोकल वर्कर कहीं बाहर जाते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन में वो कोई 15-20 दिन परेशान करते हैं लोगों को, तो इन लोगों की कोई वेरिफिकेशन भी नहीं है। और अभी हमें सुनने में मुद्दा यह भी आया है कि कोई अबू धाबी की आईडी प्रूफ लेकर घूम रहा है और किराए के लिए बात कर रहा है कि जितना किराया चाहिए वो मुझसे ले लो लेकिन मुझे यहां पर क्वार्टर रेंट पे दो। तो हम जानना चाहते हैं कि वो कहां से आ रहे हैं लोग, किस तरह से वो यहां पहुंच रहे हैं। तो ये छोटे छोटे मुद्दे हम चाहते हैं कि एसडीएम साहब समझे और हमारी यही मांग है कि जितने भी पालमपुर पुलिस थाने में वेरीफाइड मुस्लिम ईसाई रहते हैं उनका एक डिटेल लिस्ट हमारे को दी जाए। और अभी हमने सुनने में आया कि नवाज पढ़ने पिछली बारी यहां पे कम से कम 1000 से 1500 मुसलमान इकट्ठे हुए थे, तो हम ये चाहते हैं कि उन सबके आईडी प्रूफ या तो दिए जाए या प्रशासन हमें अगली बार हमें इजाजत दे कि हम फ्राइडे को सारा हमारा यूथ पालमपुर का ग्रुप इकट्ठा होकर कोई 400-500 लोग हम एक एक करके उनको वेरीफाई करके और जिनकी वेरिफिकेशन नहीं है उन्हें तत्काल वापस भेजा जाए और जिनकी वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे अपना जो काम कर रहे हैं वो करे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है।